इंडस्ट्री में देखा जाए तो वाकई में इंडस्ट्री के हर कलाकार एक दूसरे के साथ जुड़कर हर फेस्टिवल में साथ होते हैं। दिवाली का त्योहार आ गया है, बच्चन फैमिली में दिवाली की पार्टी बड़े ही धूमधाम से ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां बच्चन परिवार हर एक सेलिब्रिटी को इनवाइट करता है, अपने करीबियों को, बॉलीवुड जगत के बड़े सितारों को। लेकिन इस बार दिवाली बच्चन परिवार में कितनी खास होगी, इसका इंतजार तो है। इससे पहले बच्चन परिवार की लाडली आराध्या के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनके लिए नवंबर का महीना सबसे स्पेशल होता है। ना सिर्फ दिवाली, बल्कि इस महीने में आराध्या का बर्थडे आता है। बच्चन परिवार की सबसे लिटिल यहाँ पर मेंबर की बात करें तो वो आराध्या है। 10 साल की हो जाएंगी आराध्या इस साल, और 10 साल की होने से पहले आराध्या बच्चन की इस बदलते बिहेवियर की बात करें तो यकीनन आपको हैरानी होगी। लेकिन आराध्या की ऐसी कई ऐसे हैबिट्स हैं जिससे ऐश्वर्या और अभिषेक परेशान रहे हैं। दरअसल ऐश्वर्या अपनी बेटी की परवरिश में भले कोई कसर ना बाकी रखी हो, अपनी बेटी को संस्कारी बनाने के साथ बच्चन फैमिली के कल्चर ट्रेडिशन की सीख देने वाली ऐश्वर्या का यही करना कि वो हर काम आराध्या का खुद करेंगी, उनके लिए नुकसानदायक बना, क्योंकि ऐश्वर्या अपनी इस गलती का कारण जो बनी पूरी तरह से खुद बनी। और ऐश्वर्या के इस फैसले की वजह से आराध्या बच्चन खुद जो हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन के इतनी ज़्यादा अटैच्ड हो गई कि बाकी फैमिली मेंबर को हमेशा वो साइड कर देती हैं जब साथ खड़े होने की बात होती है। यकीन आप नहीं करेंगे, लेकिन आप रिपोर्ट ज़रूर देखना चाहेंगे इससे जुड़ी। तो आइए हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं आराध्या के इस बिहेवियर की पीछे की वजह। आसान नहीं था ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए अपनी बेटी आराध्या बच्चन को मीडिया फ्रेंडली बनाना। बिल्कुल आप इस बात पर यकीन भले ना करें, लेकिन आराध्या बच्चन के ऐसे व्यवहार को देखकर आपके जहन के कई सवाले खड़े हो जाएंगे, और उसका जवाब आपको बाद में मिलेगा कि आराध्या शुरुआत से ही अपनी मॉम के साथ जिस तरह रहती आई हैं, अपने डैडी के साथ, इस कारण वो अपने परिवार में बाकियों के साथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर नहीं करती है, ना अपनी बुआ के साथ, ना अपनी दादी, ना अपने दादू के साथ। आराध्या बच्चन सबसे करीब अपनी माँ के इसलिए भी है क्योंकि आराध्या का ज्यादा समय ऐश्वर्या के साथ गुजरा। आराध्या के डेली रूटीन को पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर ऐश्वर्या राय बच्चन ने कंप्लीट बनाया है। सच है ये बात बिल्कुल। तो आपको ये बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने हस्बैंड अभिषेक के साथ अमिताभ के आलिशान बंगले जलसा में, जब ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ साथ अभिषेक ने साथ आलिशान पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो उस पार्टी में आराध्या बच्चन के बर्थडे स्पेशल पार्टी में आराध्या को प्रिंसेस की तरह तैयार किया गया। अब आराध्या बच्चन को प्रिंसेस जैसा ट्रीट करके ही आराध्या बच्चन को बिगाड़ने में ऐश्वर्या और अभिषेक का बड़ा हाथ है, ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, कैमरा के सामने कभी फ्रस्ट्रेटेड नजर आने वाली आराध्या ने अंबानी परिवार में हुई आलिशान पार्टी में जब एंट्री की थी, आकाश अंबानी की उस शादी की पार्टी में आराध्या बच्चन मीडिया को देखते हुए इतना फ्रस्ट्रेट हुई, बार बार कैमरे की एंगल तरफ देखकर, फ्लैश लाइट्स को देखकर इरिटेटेड आराध्या ने चिल्ला कर कहा, बस करो। आराध्या के इस लैंग्वेज टोन से, इस बोलने के टोन से, ऐसे व्यवहार से ऐश्वर्या काफ़ी परेशान थी। उन्होंने हंसकर अपनी बेटी के इस व्यवहार को मीडिया से नज़रअंदाज करने के लिए कहा। लेकिन सच है कि आराध्या बच्चन अपने बर्थडे पार्टी या बॉलीवुड फंक्शंस में जब नजर आती है मीडिया के सामने, कई बार वो इरिटेटेड अपने आप में नज़र आ जाती है। कैमरा के सामने उन्हें देखने में इंटरेस्ट बहुत कम ही रहा है। जी हाँ, आराध्या को बहुत परेशान होते हुए हमेशा देखा गया है। जब भी बात ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के साथ उनके पार्टी, किसी भी पार्टी में शरीक करने की होती है, तो उस मौके पर स्पेशली देखा गया है कि आराध्या ने कैमरा के सामने कैमरा फ्रेंडली होने के बजाय कैमरा को इग्नोर करने में ज़्यादा माहिरता दिखाई है। खैर,
राधा बच्चन का नवंबर के महीने में बर्थडे सेलिब्रेट होता है। एक बफर से राधा बच्चन का बर्थडे बेहद करीब आ चुका है और स्पेशल तैयारियां इस बार बच्चन फैमिली आराध्या के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए करने वाली है। हर साल की तरह ये बहुत स्पेशल इस साल भी होने वाला है। लेकिन ये भी आपको बता दे कि आराध्या बच्चन ऐसे व्यवहार रखती हैं कि वो जो है कुछ भी अपने हाथों से नहीं करती। जब तक उनकी माँ ऐश्वर्या और उनके पिता अभिषेक उन्हें इशारे ना करें, उनके हाथ को पकड़कर उन्हें बताए ना कि किसे के खिलाना है, किसे क्या कहना है, तब तक आराध्या ऐसा नहीं करती थी। बचपन से आराध्या इतना ज़्यादा अपनी मॉम ऐश्वर्या राय बच्चन पर डिपेंडेंट रही हैं, ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे हम हमारी इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से कि आराध्या बच्चन जो है बहुत ज़्यादा प्रिंसेस तो है लेकिन अपनी माँ को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती हैं। अगर अमिताभ बच्चन भी उन्हें गोद लेना चाहें, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना चाहें, तब भी आराध्या बच्चन जो हैं ख़ास तौर पर अपनी माँ के ज़्यादा करीब रहना चाहती हैं और उनका ये व्यवहार काफ़ी हैरान करने वाला हमेशा रहा है। सोशल इवेंट्स पर भी आराध्या ऐश्वर्या से एक पल के लिए भी दूर होती दिखाई नहीं देती। उनके हार्ट से ऐश्वर्या अभिषेक अच्छी तरह वाकिफ है। शुरुआत से ही ये आदत ऐश्वर्या की बेटी आराध्या को लगी है। एक बार तो एक इवेंट में अमिताभ बच्चन जो है अपनी पोती आराध्या को गोद लेने के लिए काफ़ी बेताब नजर आए थे, उन्हें प्यार करने के लिए, उन पर प्यार लुटाने के लिए। लेकिन आराध्या बच्चन अपनी माँ का हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। कैमरा के सामने फ्रस्ट्रेटेड आराध्या जो कई बार अपने मॉम की तरह तो कभी मॉडल्स की तरह पोज देने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ऐश्वर्या और अभिषेक को एम्बैरस भी कर देती हैं। हर फोटो में आराध्या जो है अपनी फैमिली में सिर्फ ऐश्वर्या के ही करीब खड़ी नज़र आई हैं। उनका ये व्यवहार काफ़ी हैरान करने वाला आप सभी को भी लगेगा, लेकिन सच बात है कि आराध्या बच्चन का ये व्यवहार हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। ये आप अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ही मौका ऐसा रहा जब ऐश्वर्या से ज़्यादा अभिषेक की करीब आराध्या बच्चन आपको दिखाई देंगी। ये भी सच है कि बच्चन परिवार के बाकी मेंबर्स के साथ कभी भी किसी ट्रिप या फिर किसी भी डिनर पार्टी, किसी भी फंक्शन के लिए आराध्या नहीं जाती हैं। आखिर क्यों है ऐसा, क्यों आखिर ऐसा है आराध्या बच्चन का व्यवहार? इस सवाल का जवाब तो ऐश्वर्या ही दे सकती है, क्योंकि आराध्या बच्चन अपने इस व्यवहार की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में रही हैं। आराध्या ज़रूर बहुत संस्कारी है। आराध्या बच्चन अपनी कहा जाए तो ग्रैंड मॉम के साथ, यानी कि कभी अपनी नानी वृंदा तो कभी अपनी दादी जया बच्चन के साथ आपको दिखाई दी होंगी, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा रहा है, फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए ऐसा रहा है। वरना ज़्यादा से ज़्यादा मौका ऐसा रहा है जब ऐश्वर्या अपने फैमिली में सिर्फ अपनी मॉम के करीब नज़र आई हैं। हाँ, अब बदलते वक्त के साथ आराध्या जब बड़ी हो रही हैं तो अपने दादू के भी वो बहुत करीब आ गई हैं और उन्हें इस बात का मायना समझ आ गया है कि उनका पूरा परिवार उनसे बहुत प्यार करता है और सब उनके साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। लेकिन बड़ी हो रही आराध्या बच्चन को अपने एजुकेशन की वजह से अपनी फैमिली के बीच बहुत कम वक्त गुजारते हुए देखा जाता है। अमिताभ अपनी पोती के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात करते हैं और बताते हैं कि उन्हें बहुत खुशी मिलती है जब उनकी पोती उन्हें डिस्टर्ब भी करती है उनके फ़ोन में व्यस्तता के दौरान, उनके काम के दौरान, उनके टेबल को बिखर कर चली जाती है, लेकिन स्टिल उन्हें ऐसा बहुत पसंद है जब उनकी पोती करती है, क्योंकि बहुत कम ही मौका होता है जब वो अपनी पोती के साथ वक्त गुजार पाते हैं। और ये भी सच है कि आराध्या को लेकर बच्चन परिवार अपने साथ आराध्या को रखने के लिए हमेशा इंतज़ार करता रहता है। तो आपने जाना आराध्या बच्चन का ये बिहेवियर क्यों आखिर सुर्खियों में रहा है, क्यों आखिर आराध्या बच्चन इस तरह से अपने
आपको बदलती जरूर रही हैं, जरूर वो संस्कारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से उन्हें जो सीख मिली है और सबसे ज्यादा वो ऐश्वर्या के साथ जुड़ी हैं, इसलिए बाकी मेंबर्स इसकी वजह से ही झेलते हैं ऐश्वर्या की बेटी आराध्या का ऐसा व्यवहार। खैर, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिल्मी दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।